हेलो एवरीवन, आधुनिक समाज के बदलते हुए परिवेश में लैंगिक पहचान अपने आप में एक लगातार उलझता और जटिल मुद्दा बनता जा रहा है। आज हम यहाँ पर अपने सत्र में बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक नई लैंगिक पहचान की, जिसको लेकर के यहाँ पर शोध हुआ है और इस शब्द को नाम दिया गया है एब्रो सेक्सुअलिटी। क्या है एब्रो सेक्सुअलिटी? आधुनिक समाज के बदलते हुए परिवेश में क्या लोगों की लैंगिक पहचान या यौन पहचान में लगातार परिवर्तन हो रहा है? इससे किस तरीके की जटिलताएं उत्पन्न होती हैं? लोगों के बदलते हुए लैंगिक पहचान को आप कैसे पहचान सकते हैं, या एब्रो सेक्सुअलिटी को लेकर के यहाँ पे जो अवधारणा है इसको आप कैसे पहचान सकते हैं? आज हम यहाँ पर इसी मुद्दे को लेकर के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आधुनिक समाज के बदलती हुई परिस्थितियों और यौन पहचान या लैंगिक पहचान की स्थितियों के बारे में भी थोड़ा सी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं एब्रो सेक्सुअलिटी से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के बारे में। एक व्यक्ति की यौन पहचान या लैंगिक पहचान होती क्या है और इसमें लगातार बदलाव क्यों होते हैं? देखा जाए तो यौन पहचान जो है, जो अवधारणा है, ये दिन प्रतिदिन यहां पर आपको जटिल होती जा रही है। जटिल इसलिए भी होती जा रही है क्योंकि दिन प्रतिदिन लोगों के सोच, विचार और पसंद नापसंद वो बदलती जाती है। ऐसे ही यह नई घटना इस बात की ओर एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करती है कि लोग कुछ समय के साथ अपनी इच्छाएं कैसे बदल जाते हैं, उनकी इच्छाओं में किस तरीके से परिवर्तन आता है और ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति की समय के साथ इच्छाएं हो, पसंद नापसंद हो, वो बदलती हैं और उसी से कहीं ना कहीं यौन पहचान भी जुड़ी हुई है जो कि आपको समय के साथ बदल सकती है। एब्रोसेक्सुअलिटी को अगर बात करें तो ये भी कुछ ऐसी ही एक अवधारणा है जहां पर समय के साथ व्यक्तियों की यौन इच्छाएं जो हैं वो बदलती रहती हैं, जिसको एब्रोसेक्सुअलिटी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसकी अवधारणाओं को, इसके कॉन्सेप्ट को, इसको लेकर की जा रही खोज को यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। इसकी शोध की अगर हम देखें तो यूएस स्थित सामाजिक कार्यकर्ता और LGBTQ शिक्षक स्टोलर एब्रोसेक्सुअलिटी शब्द की यहाँ पर व्याख्या करते हैं। स्टोलर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कुछ एब्रोसेक्सुअल लोग अलग अलग समय पर अलग अलग कामुकता लेबल के साथ पहचान कर सकते हैं, जैसे कि कुछ दिन से यहाँ पे पैनसेक्सुअल लेबल का उपयोग कर सकते हैं, जबकि अन्य दिनों में वे लेस्बियन लेवल का भी उपयोग कर सकते हैं। अन्य एब्रोसेक्सुअल लोग केवल एब्रोसेक्सुअल लेवल का उपयोग कर सकते हैं। इस लेवल को लिंग पहचान लेवल या जेंडर फ्लूइड के कामुकता संस्करण के रूप में भी यहां पर माना जाता है। यानी कि लोगों की जो पहचान है, सेम पर्सन आपको अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से व्यवहार कर सकता है। कभी वो किसी अन्य लोगों को पसंद कर सकता है तो कभी कुछ समय के पश्चात उसकी जो लैंगिक पहचान है वो किसी को पसंद करने की जो अवधारणा है वो यहाँ पर बदल सकती है। वो किसी अन्य पर्सन को, महिला या पुरुष को, या ऐसे स्थितियों में यहाँ पर उसके बदलाव या लैंगिक पहचान में यहाँ पर आपको अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं जो कि यहाँ पर एब्रोसेक्सुअल है। वही लोगों को आप पैनसेक्सुअल लेवल भी हो सकते हैं कुछ समय, कुछ वहाँ पर कुछ टाइम के लिए वो लोग आपको लेस्बियन भी हो सकते हैं, गे हो सकते हैं, या कुछ अलग एक अवधारणा वहाँ पर आपको उनकी देखने को मिल सकती है। इसके बारे में अगर हम देखें तो एब्रोसेक्सुअल क्या है, तो एब्रोसेक्सुअल के संदर्भ में देखा तो यौन अभिविन्यास है जो कि किसी व्यक्ति के यौन आकर्षण को दर्शाता और बार बार बदलता रहता है। यानी कि कहने का व्यक्ति मतलब है कि एक व्यक्ति की जो यौन कह सकते हैं कि इच्छाएं हैं वो समय के साथ बदल सकती हैं। वो किसी को, सामने वाले को किस तरीके से कब पसंद कर रहा है और कुछ समय के पश्चात किसी और को पसंद कर सकता है, तो उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं वो यहाँ पर बेसिकली आपको एब्रोसेक्सुअल के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। यह भी होता है कि यह छोटी अवधि में हो सकता है जैसे कि घंटों या दिनों में, लंबी अवधि में भी हो सकता है या महीनों या वर्षों में। यानी कि जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगी या किसी को पसंद नापसंद करने की जो स्थितियां हैं या किसी व्यक्ति को इस तरीके से व्यवहार करने की जो स्थितियां हैं वो हो सकता है कि कुछ घंटों बाद ही चेंज हो जाए। आज अभी कुछ घंटे पहले आप किसी और को देख रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी कुछ घंटे बाद आप किसी और को देख के पसंद करने लग जाते हैं, तो यहाँ पर यह भी सारी अवधारणाएं हैं। हो सकता है इसमें आपको, हो सकता है किसी के साथ आप महीनों वर्षों साथ में रहते हैं लेकिन महीनों वर्षों के बाद आपकी फिर किसी और को पसंद करने लग जाते हैं, या जो आपकी सेक्सुअल जो पहचान है वो आपको यहाँ पर चेंज हो जाती है, सेक्सुअल जो आइडेंटिटी है वो आपकी इसमें चेंज होती है। एब्रोसेक्सुअलिटी के संदर्भ में अगर देखें तो खासकर जो युवा पीढ़ी है, विशेष रूप से जिन जेड, यानी कि जो 1997 से 2012 के बीच यहाँ पर पैदा हुए हैं, उनको वर्तमान समय की आधुनिक समाज में हम जिन जेड कहते हैं, के सदस्यों के साथ विशेष रूप से दृढ़ता से प्रतिध्वनित यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। यानी कि इस आयु वर्ग के लोगों में ये सबसे ज्यादा आपको एब्रोसेक्सुअल देखने को मिलते हैं। इसका श्रेय विविध यौन पहचानों के बारे में बढ़ती जागरूकता और स्वीकृति के बाद यहाँ पर मिला है, क्योंकि जिस तरीके से कई सारे देशों में LGBTQ समुदाय को यहाँ पर प्राथमिकता मिली है, उनको कानूनी यहाँ पर पहचान मिली है, शादी को लेकर के यहाँ पर कानूनों में परिवर्तन किया गया है और उसको लेकर के समाज में जिस तरीके से उसको यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस मिली है, उसके कारण लोग यहाँ पर खुल करके अपनी यौन इच्छाओं को लेकर के, पसंद को लेकर के यहाँ पर ज़्यादा मुखर हो चुके हैं।
अब आइए यहां पर देखें तो एब्रोसेक्सुअलिटी कैसी दिख सकती है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। सबसे पहले देखें तो दैनिक उतार चढ़ाव से आप पसंद कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि एक दिन आप कुछ पुरुषों के प्रति आकर्षित हों और दूसरे दिन आप महिलाओं के प्रति आकर्षित हों, यानी कि यहां पर आपको कुछ समय पुरुष पसंद कर रहे हैं, कुछ समय महिलाएं पसंद कर रहे हैं, तो आप हो सकते हैं एब्रोसेक्सुअल हो सकते हैं। दूसरा, आकर्षण में बदलाव एक पहचान यहां पर हो सकती है, यानी कि आप सभी लिंगों के प्रति आकर्षित महसूस कर सकते हैं, कुछ सप्ताह के बाद एक विशिष्ट लिंग के प्रति यहां पर आकर्षित हो सकते हैं। अगर ऐसी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं तो भी आप एब्रोसेक्सुअल हो सकते हैं। इसके अलावा कम आकर्षण की अवधि, यानी कि आप पा सकते हैं कि आपके अंदर यौन आकर्षण बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं है और महीनों बाद आप पाएंगे कि आप सभी लिंग के पहचान वाले लोगों के प्रति यौन आकर्षण महसूस करने लगे, तो कभी बिल्कुल भी नहीं है और कभी यहां पर सभी के लिए हो जाए, तो ऐसा अगर भी डेवलपमेंट है तो भी यहां पर वो उसके ही लक्षण है। इसके अलावा यदि आकर्षण के विकास से भी, यानी कि आपको एक तरीके से अट्रैक्शन जो है हो सकता है, आप एक विषम लैंगिक पुरुष हैं और कुछ वर्षों के पश्चात आप में ही पुरुषों के प्रति यहां पे आकर्षण होने लग जाए, तो ऐसा कुछ भी होता है, ऐसा कुछ भी यहां पर ऐसे लक्षण हैं, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक एब्रोसेक्सुअल होने के यहां पर लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसमें कहा जाता है कि इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं इस तरह के परिघटना के में देखा जाए तो एब्रोसेक्सुअल व्यक्तियों को अपने आकर्षण की अस्थिर प्रकृति के कारण डेटिंग और पार्टनरशिप संबंधों में अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग देखा जाए तो दीर्घकालिक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध होने में संकोच कर सकते हैं और इस डर से उनके आकर्षण के स्तर में बदलाव उनके साथी के साथ उनके संबंधों को यहां पर आपको प्रभावित कर सकता है। यानी कि अगर आप ऐसे हैं तो हो सकता है आप अच्छे रिलेशनशिप में ना रह पाएं या बहुत लंबे समय तक ना रह पाएं और इसके कारण हो सकता है आपको समस्याएं हैं कि शुरू में आप जिस साथी के साथ लिंग के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, बाद में उनके साथ आकर्षण ना रह जाए और आप उनसे अलग हो जाएं, तो अलगाव की स्थितियां आपको ज्यादा इस तरह के लोगों के साथ देखने को मिलती हैं, लंबे रिलेशनशिप में ना हो रह पाएं और इस तरह के यहां पे पार्टनर लगातार आपके चेंज होने की स्थितियां आपको ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा यह पहचानना भी जरूरी है कि एब्रोसेक्सुअल होना एक स्वस्थ प्रतिबद्ध रोमांटिक रिश्ते की संभावना को समाप्त नहीं करता है, बल्कि यह खुले संचार, आपसी समझ, अनुकूलशीलता के साथ साथ कई एब्रोसेक्सुअल व्यक्ति सफलतापूर्वक लंबी अवधि के साझेदारी को पूरा करते हैं और इसे विकसित भी करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि बदलते हुए आधुनिक समाज में, नई पीढ़ी में जागरूकता के प्रसार के साथ साथ लोग अपने यौन पहचान या लैंगिक पहचान को लेकर ज्यादा मुखर हैं और इसी के कारण यहाँ पर एब्रोसेक्सुअलिटी यहाँ पर जैसे मुद्दे भी आपको खुलकर सामने आ रहे हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।